वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन जो कि काफ़ी ज्यादा बेस्ट होने वाला है सभी के लिए स्पेशली मुझ जैसे टीनेजर्स के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज करूँगी सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सभी प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेज करें क्योंकि अमेजॉन पर काफी अच्छे सेल्स एंड डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं सो लेट स्टार्ट स्टेप नंबर वन है फेस वॉश एंड फेस वॉश के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आशा बेरिका विटामिन सी फेस वॉश आज से तीन साल पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था तभी भी मैंने ये स्किन केयर वीडियो में आपको फेस वॉश दिखाया था मतलब सोच सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है ये ऑल स्किन टाइप के लिए है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट है इसमें डीपली फेस को क्लीन करता है एंड प्लस में डेड सेल को डेड स्किन को रिमूव करता है आपकी स्किन पर से प्लस में टैनिंग को भी रिमूव करता है इसमें आपको पपाया के एक्सट्रैक्ट भी मिलते हैं एंड ये एक टू इन वन प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाएंगे तो ये स्क्रब की तरह भी वर्क करता है आपके फेस पर टैन रिमूव करता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स अच्छे से रिमूव करता है डीपली फेस को क्लीन करता है एंड आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह हैं उनको भी लाइटन अप करने में हेल्प करेगा स्टेप नंबर टू है टोनर टोनर देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्टेप है टीन के लिए इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको मार्केट में बट कौन सा नहीं यार समझ ही नहीं आता कौन सा हमारी स्किन को सूट करेगा क्या करें तो भाई क्यों ना अपना डी आई वाई टोनर बनाए आ जाओ फिर मैंने अमेजोन से परचेज़ करा है ये भाई ये है क्या समझ नहीं आ रहा ना ये है आपका आइस रोलर आइस रोलर आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे बट मुझे यह अमेज़ोन पे फिफ़्टी थ्री रुपीज़ का मिला मतलब कैन यू गाइज बिलीव इतना अच्छा प्रोडक्ट इतना ट्रेंडी प्रोडक्ट मुझे फिफ्टी थ्री रुपीज़ का मिल गया एंड ये स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसमें आप वाटर भर दो आप इसमें चाहे कोकुम्बर टमाटो कुछ भी ऐड कर सकते हो कीवी वगैरह जो भी फ्रूट वगैरह आपके पास है एंड इसको फ्रीज़ कर दो एंड फ्रीज़ करने के बाद निकालो एंड अपनी स्किन पर लगाओ इसके काफ़ी काफ़ी सारे काफ़ी सारे बेनिफिट हैं पोर्स के साइज़ को भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है प्लस में आपको बस फिफ्टी नाइन रुपीज़ का ये अमेजान पे मिल रहा है सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगी इसकी कि इतना सस्ता है कोई भी इसे आराम से अफोर्ड कर सकता है एंड वन मोर थिंग आइज अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो डायरेक्टली आइस अप्लाई नहीं करना अपनी स्किन पर नहीं तो भाई बैंड बच जाएगी स्किन की टिश्यू पेपर वगैरह या कोई भी हैंकी वगैरह आप रख लो आइस रोलर के ऊपर देन इसको यूज़ करो डायरेक्टली यूज़ मत करना एक बार पैच टेस्ट कर लेना अपने स्किन पे नहीं तो आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है आइस थेरेपी बहुत अच्छे से वर्क करती है आपकी स्किन पे प्रमोट करती है ब्लड फ्लो को एंड वन मोर थिंग स्टे हाइड्रेटेड बर्फ लगाना है तो पानी पीना भी है एंड अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाटर पियोगे वो और ज्यादा अच्छा है बट कोई बात नहीं अगर नॉर्मल टेम्परेचर वाटर भी नहीं पिया जा रहा तो बट पानी पी लेना अब स्टेप नंबर थ्री है डी आई वाई फेस शीट मास्क डी आई वाई शीट मास्क जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलोवेरा जेल वाओ का एलोवेरा जेल काफी ज्यादा अच्छा है नाइन्ाइन परसेंट प्योर एलोवेरा जेल है एंड मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ मैंने इसका सेपरेटली रिव्यू भी आपके साथ शेयर करा हुआ है काफी ज़्यादा अच्छा है एंड बस अभी इतना सा ही बचा है तो भाई हमें नया लेने की जरूरत है तो अच्छे से वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि पैसे वैसे आ जाए थोड़े बहुत तो हम ले लें नया तो इसमें आपको टू से थ्री टेबल स्पून जितना भी आपको लगता है मैंने यहाँ पर टू टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड करा है एलोवेरा जेल काफी अच्छे से आपके एक्ने पर भी वर्क करता है एक्ने मार्क्स पर भी वर्क करता है एंड आपके क्या कहते हैं बम्स पर भी वर्क करता है जो एक्ने बम होते हैं उन पर भी सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया है वो है डाबर का रोज़ वाटर ये काफ़ी काफ़ी सही बढ़िया रोज़ वाटर है आराम से आपको अमेजान पर मिल जाएगा एंड मैं इसको ही यूज़ करती हूँ ये मेरा सेकेंड या थर्ड परचेज़ है इस रोज़ वाटर का uh, मतलब मुझे डी वगैरह वागे स्किन केयर वगैरह में इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ती है तो मैंने यहाँ पर टू से थ्री टेबल स्पून रोज़ वाटर लिया रोज़ वाटर काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है आपके एक्ने को भी कंट्रोल करता है तो अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं रोज़ वाटर में थर्ड हमने लिया है हनी हनी काफ़ी अच्छा चीज़ है नेचुरल चीज़ है एक तो पहली बात तो सेकेंड थिंग आपकी जो ग्लो है स्किन में उसको री करता है नरिश करता है आपकी स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज़र है तो यहाँ पर वन टेबल स्पून मैंने हनी लिया है हनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए तो वन टेबल स्पून मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया तीनों ही हमने नेचुरल चीज़ लिया है एलोवेरा जेल भी नेचुरल है रोज़ वाटर भी नेचुरल है एंड हमारा हनी भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसमें ना टिशू पेपर जो मतलब नॉर्मल टिशू पेपर होता है ना कपड़े वाला टिशू पेपर लेना है उसको अपने फेस के अकॉर्डिंग कट कर लो आईज नोज़ वगैरह जहाँ भी आपको लगता है मार्क करके कट कर लो मैंने भी कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और उसको इसमें डिप कर देना है अपने सोल्यूशन में एंड देन इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे एंड आप इसको वीक में एक बार करना है अगर आप वीक में एक बार नहीं कर सकते तो मंथ में आप एक दो बार तो ज़रूरी करो या फिर आपको स्किन में ऐसा लग रहा है कभी भी की ग्लो नहीं है डल सी हो रही है तभी भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो या आपको कोई फंक्शन अटेंड करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो बट वीक में आप इसको डेली डेली नहीं करना बस वीक में एक बार आप कर सकते हो इसको 10 से 15 मिनट अपनी स्किन पर ऐसे ही आपको छोड़ देना है एंड जब 15 मिनट बाद आप इसको रिमूव करोगे आपकी स्किन को मतलब एकदम अलग ही मज़ा सा आ जाएगा सच्ची बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्किन ग्लोइंग लगती है बहुत ज़्यादा नरिश कर देता है स्किन को एंड मैंने रिसेंटली परचेज़ कराई ये अमेजोन से फेस मसाजर इसमें है ग्वाशा एंड जेड रोलर जो कि आपकी स्किन पर अच्छे से वर्क करते हैं देखो यार रात को फ़ोन चला चला के जो डार्क सर्कल कर लेते हैं ना हम लोग टीनेजर्स फ़ोन चलाते हैं पढ़ते हैं रातों तो भाई डार्क सर्कल तो हो ही जाते हैं और जो लाइन देखो मेरी तो है नहीं डबल चेन है मेरी तो अच्छे से मसाज करोगे तो ब्लड फ्लो चलेगा एंड ब्लड फ्लो चलेगा तो आपकी स्किन में जो आपके डार्क पैचेज हैं वो सब रिमूव होंगे आपके डार्क सर्कल रिमूव होंगे रिड्यूस करता है स्किन इन्फ्लोमेशन को इम्प्रूव करता है स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है मसाज करना एंड अगर आपके रिंकल्स हैं उनको भी डिक्रीज करता है और आपकी जो अंडर आई सर्कल्स है डार्क सर्कल्स हैं उनको भी रिमूव करता है एंड प्लस में पफीनेस को भी रिमूव करने में हेल्प करता है तो अच्छे से मसाज करो मसाज के तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं यार मैं अब गिनाऊँ कैसे तुमको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बट जो जो मुझे मेन मेन याद आए मैंने वो वो बोल दिए एंड आप चाहे तो अपने हैंड से भी मसाज कर सकते हो बट अगर आप गुआशा एंड रोलर यूज़ करोगे तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा एंड उसके बाद चाहे तो आप लीव भी कर सकते हो या फिर आप वॉश भी कर सकते हो अपना फेस उसके बाद स्टेप नंबर फोर है मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर जोए का हाइड्रा फ्रेश रीफ्रेश मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो मामार्थ का जो भी आपके पास है वो यूज़ कर सकते हो बहुत सारे ऑप्शन हैं मैं आपको लिंक में एक दो मॉइस्चराइजर के लिंक्स और भी प्रोवाइड कर दूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली अभी तो फ़िलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यही आपको अप्लाई करके दिखा दिया है बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके रखता है स्टेप नंबर फिफ्थ है लिप बाम जैसे स्किन की केयर के करते हो ऐसे अपने लिप्स की भी केयर करनी होती है तो लिप बाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाऊंगी एंड सस्ते भी दिखाऊंगी एक तो है ये जोए का एंड एक है ये हिमालय का दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं हिमालय का आपको थर्टी फाइव रुपीज़ का मिल जाएगा एंड जोए का लिप बाम आपको थर्टी या फोटी रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा या फिर आप वैसलिन भी यूज़ कर सकते हो वो भी काफ़ी अच्छी है आपको अमेजोन पर आराम से मिल जाएगी स्टेप नंबर सिक्स है हमारा सनस्क्रीन यानी कि एस पी के मेरे पास थ्री ऑप्शन हैं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मेरे पास ये जोए का हेलो सनस्क्रीन जिसमें आपको एस पी एफ मिलता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन है बहुत अच्छे से वर्क करता है सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ये आस्था बेदी का पपाया सनस्क्रीन जो कि काफ़ी अच्छा है इसमें भी आपको एस पी मिलता है ये भी काफ़ी अच्छा है सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है और बढ़िया अफोर्डेबल भी है थर्ड है मेरे पास ये रियो हर्ब्स का स्प्रे सनस्क्रीन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब ब्लेंडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम होती है एंड कोई सा भी सनस्क्रीन मैंने थ्री सनस्क्रीन आपको दिखाई है कोई भी सनस्क्रीन आपको वाइट कास्ट प्रोवाइड नहीं करती है जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगती है मतलब मतलब वाइट कास्ट से तो यार मुझे सच्ची बताऊँ नफरत है दिल से नफरत है एंड यहाँ पे मैं टू फिंगर यू रूल यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन के लिए आप थ्री फिंगर रूल भी यूज़ कर सकते हो ज़्यादा सन प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं टू फिंगर रूल यूज़ करती हूँ क्योंकि आई थिंक टू फिंगर मेरे लिए इनफ होती है एंड अच्छे से ब्लैंड करने में देखो थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से आपको ब्लैंड करना है जान लगा के नहीं ब्लैंड करना है हल्के हाथों से ही ब्लैंड करना है एंड नेक को ईयर को आइज़ को सबको अच्छे से कमर कवर करना है कमर करना है कवर कर लेना है एंड सनस्क्रीम आप जितना जल्दी स्किन पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, उतना ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए मतलब न्यू बोर्न बच्चों की लॉन्च होने लगी है तो सनस्क्रीम की कोई एज नहीं होती तो so, अभी आप देख सकते हो हमारा स्किन हो चुका है। स्किन में, लिप्स में अलग ही जान पड़ गई है भाई इतनी प्यारी स्किन लग रही है आप एक बार ये पूरा जो स्किन केयर रूटीन जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे फॉलो करना एंड आपको अपनी स्किन में फर्क ना लगे तो यार मेरा नाम बदल देना मेरे चैनल का नाम बदल देना काफी अच्छे से वर्क करता है ये स्किन केयर ट्रस्ट मी गाइस काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करता है लास्ट सब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना सभी प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में बाय बाय और हाँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना बाय